फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपन ओडिसर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं आप, टूडे का टॉपिक नंबर सिस्टम पहले स्टार्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे कि डिफरेंट्स नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट देख रहे हैं हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपली नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखते हैं, जो ये होता है नेचुरल नंबर। पर इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर में हमारा जीरो इंक्लूड नहीं होता है। सेकंड देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, और बाकी सारा जो पॉसिबल है वो होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। ठीक है, पर इसमें जीरो इंक्लूड होगा। थर्ड है क्या? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा डेसिमल में नहीं लिखाएगा, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर या जीरो, ये तीनों पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 ऐसा। ठीक है, ऐसा चलेगा। पर इसमें अगर हम लिखना चाहें कि 2.5, 2.4, 2.5, 3.5 ऐसा करके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि इंटीजर नंबर में सिर्फ निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर ही पॉसिबल है। ओके, अब रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर में क्या होता है? ये कहता है क्या, मतलब कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि 2/3, 4/5 ऐसा। ठीक है, मतलब कि इसमें डिनोमिनेटर कंडीशन क्या इसमें होता है कि डिनोमिनेटर होना नॉट इजिकल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो हमारा जो नंबर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 2/3 यानी ये PYQ के रूप में है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सिंपली आप बोल सकते हैं कि इसको 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3, 3/3 ये भी रेशनल नंबर है। ओके, अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या? इरेशनल नंबर फ्रेंड जैसे कि 3, √4, √4 क्योंकि रूट फोर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 2, तो रूट इसको 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा। मतलब कि इसके जो अगर डेसिमल में लिखेंगे ना, तो यानी 3/1 सॉरी, जैसे कि लिख रहे हैं, जैसे कि 2.1, तो ये रेशनल नंबर में यही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। देखिए रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। रेशनल में होता है क्या कि अगर इसको डेसिमल फॉर्म में इसको लिखा जा रही है, इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में, तो ये जैसे लिखाएगा इसको लिखेंगे तो लिखाएगा 6.67। ठीक है, ये पॉसिबल है, मतलब सॉरी 6.67 ऐसे लिखाएगा। पर अगर आप इसको लिखेंगे √3 को, तो √3 का 1.732 फिर आता है 5/4 ऐसा ही समथिंग आगे चलता जाता है। मतलब ये टर्मिनेट नहीं होते, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, अगर टर्मिनेट कर गया डेसिमल, मतलब कि इस डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट कर गया तो वो रेशनल, नहीं टर्मिनेट हुआ जैसे 4/3 ये रिपीटिंग भी नहीं है, रेशनल में रिपीटिंग हुआ तो रेशनल, अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल। ओके, ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड का ही पार्ट मैं पढ़ूंगा, तो इसको ज़्यादा मैं डीप में जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या? रियल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड ऑल पॉसिबल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, मतलब कि ये सारा ऊपर का सारा पार्ट हो जाएगा क्या, रियल नंबर में आ जाएगा। ओके,
पर इमेजनरी नंबर वो होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या एग्जिस्ट नहीं करता? जैसे कि आपने 10th तक ये आपने नहीं पढ़ा होगा, माइनस वन अंडर रूट में माइनस वन नहीं पढ़ा होगा, इसको आई बोलते हैं, ठीक है, आयोटा। आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये इमेजनरी नंबर है, ठीक है, जो 10th के बाद 12th में जाते हैं, 11th में, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, यानी रूट माइनस वन, रूट माइनस थ्री, रूट माइनस फाइव, तो ये हम लोग को पढ़ते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ए, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इजिकल टू जीरो होता है, तो एक्स इजिकल टू थ्री, ठीक है, थ्री लिखते हैं, तब थ्री का स्क्वायर इधर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट थ्री बस। पर ये एक्चुअली में ऐसा लिखा है, प्लस माइनस का रूट थ्री होता है, ये एक्चुअली में होता है, मतलब कि इसके दो वैल्यू होते हैं, टू का मतलब एक्स स्क्वायर का पावर टू, मतलब दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगे, आइदर प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री, ठीक है। यानी ये हो गए हमारे इमेजनरी नंबर, माइनस रूट माइनस वन, रूट माइनस थ्री और रूट माइनस फाइव, ये हमारा इमेजनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं कि हमारा पॉसिबल वैल्यू और इम्पॉसिबल वैल्यू दोनों को हम, यानी ऑल नंबर जो भी एग्जिस्ट करे ना कर, मतलब करे इमेजिनरी में करे, वो सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, ठीक है। सभी, जैसे कि आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, टू प्लस माइनस रूट थ्री, टू प्लस माइनस रूट थ्री आई, सारा सारा ये किसके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ भी आएगा, आई होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कि सभी पॉसिबल नंबर्स होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो टोटल होगा जो हम जानते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वन भी कॉम्प्लेक्स नंबर, टू भी हो जाएगा, थ्री भी हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा, आई मतलब आई इजिकल टू माइनस वन, ठीक है, तो यानी सभी पॉसिबल है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आई है, मतलब कि आई मतलब रूट माइनस वन, ये भी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आप सोच सकते हैं वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वो बोल सकते हैं कि जो भी लिख दें वो नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब आते हैं प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड द गिवन नंबर ओनली, मतलब कि कोई भी नंबर जो वन से या खुद से मतलब कि डिविजिबल हो वो कहलाते हैं क्या, प्राइम नंबर, क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, जैसे थ्री हो गया, फाइव हुआ, सेवन हुआ, देखो फोर, फोर को हम वन से भी डिविजन डिविजिबल है, टू से भी है, फोर से भी है, ठीक है, पर प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है कि ये वन और फोर से, यानी वन और फोर से जो डिविजिबल हो जाए वो प्राइम नंबर हो, वन और फोर से, मतलब वन और नंबर इटसेल्फ, यानी खुद के नंबर से जो डिविजिबल हो जाए वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, ठीक है, जैसे थ्री फाइव सेवन, सेवन का डिविजिबल क्या होगा, वन सेवन ओनली, और इलेवन थर्टीन, थर्टीन का क्या होगा, वन और थर्टीन, बस जो है बस। और इसके जैसे कि अब बताइए कि 21 होगा प्राइम नंबर, नहीं 21 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका वन भी होगा, थ्री भी होगा, सेवन भी होगा और 21 खुद होगा, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि ये वन और
जो गिवन नंबर है उससे डिविजिबल ही होना चाहिए, पर इस ये 3 और 7 से भी है, सो ये 21 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर में। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर मतलब कि अदर देन प्राइम नंबर को ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब अदर देन प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया? टू फोर सिक्स, ठीक है, यानी जो वन सॉरी थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन ये सब नंबर को छोड़कर जो भी नंबर एग्जिस्ट करे ना, नंबर इंटीजर नंबर, वो सारा क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, पर यहाँ रिमेम्बर याद करने वाली बात क्या है, क्या है कि वन जो है वो नाइदर प्राइम होता है और नॉर कंपोजिट। ठीक है, ये याद रख करने वाली बात है, ये अक्सर एग्जाम में मतलब कि यूज आता है, वन प्राइम नंबर है नहीं, वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अब बोला जाए कि देखिए प्राइम नंबर ओनली, देखिए कौन प्राइम नंबर इवन नंबर है। ठीक है, तो ओनली टू इज नंबर विच इज इवन प्राइम, मतलब प्राइम भी है इवन भी है। ओके, अब आगे फ्रेंड से डिटेल करेंगे, नंबर सिस्टम का आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग ने जान लिया कि नंबर सिस्टम वेरियस जो हम लोग यूज़